श्रीमद् नारायण भगवान की जय। नौवां अध्याय प्रारंभ। राजविद योग। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम इस इच्छा नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शस्त्र ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अभिमान ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीय है। गुप्त एक ब्रह्म पाद है, उत्तर पदम फल वाला और धर्मयुक्त है। साधना करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता है। प्रताप, इस धर्म में जो श्रेष्ठ नहीं रहता है मुझे नहीं पता है। इसे मृत्यु युक्ति संसार में बार बार लौटना है। मैं अगती हूँ और मैंने ही सब जगत प्रकट किया है। सब प्राणियों में मुक्ति है, किंतु मैं जन्म नहीं हूँ। मुझे सब भूत भी नहीं है। मेरा ईश्वर कर्म देखें, मेरे ही आत्मा सब भूतों का पालन करती है हुई है, निर्भ नहीं है। जिस प्रकार सुविस्तीर्ण बहनों वाली महीन वायु स्थित आकाश में व्यक्ति पर उस प्रकार से मुझे भूत में ऐसा समझाता है, क्योंकि मैं सभी जीव कल्पना आदि में मेरी व्यक्ति हो और मिले, और यह कल्पना से ही फिर उनकी करती है। अपने ही आश्रम लेकर गुप्त है, स्मरण वाले धन में भूत में बार बार उत्पन्न करता है। जो इनसे मेरी काम ही होती है और उसने की तरह इन्हें आश्रम नहीं होती और इसमें अध्ययन होकर सिर्फ ही उत्पन्न करता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो पहुंचे, बोलो बालाजी महाशिवा की जय। हे कितने इस कारण यह जगत में विद्या रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं। समस्त चरों में समस्वामी हूँ। हे मुझको मनुष्य जानकर भी पहले लना करता है और उनकी आशा व्यक्ति काम निश्चित ज्ञान निश्चित जंतु विषम उसके अस्वा शक्ति को वश में हो जाती है। जो मुहे उत्पन्न करती है विवेक जानकर प्रकृति में स्थित हो जाती, संसार में आदि अविनाशी जानकर मन से भक्ति होती है। मेरी कीर्तन करते हुए भक्ति उत्पन्न करते हुए एक से कोई प्रतिकट में और मुझे मैं ही अनुपल रूप में मानकर उत्पन्न करता है। श्रेष्ठ में सदी हूँ, प्रतियज्ञ में ही हूँ। इस जगत में माता पिता धर्म ही मैं ही हूँ। जानते योग पदार्थ में आकार ऋषियों संवेद और युजवेद में भी मैं ही हूँ। गति पालन करता हूँ, प्रभु सभी निवास कृष्ण में मित्र हूँ। मित्र उत्पादक करने वाला सहारा कार्य आधार पालन स्थान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा दिखाता हूँ और मैं ही वर्षा करता हूँ, तथा मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, तथा सतु में असत्य में है। तीनों वेदों का ज्ञात सोम पीने वाला पाप रहता रहती यज्ञ में मेरा ही पूजा करके स्वर्ग चाहता है और इंद्रों के पुष्प में लोग में पहुँच के स्वर्ग की देवताओं को योग व्यक्ति सुख पालता है। वह विशाल सब लोग में सुख भोग कर पशु का दक्षिण होने पर मृत्युलोक में आता है। इसलिए प्रकार से तीनों वेदों में धामों में पालन करने वाला व्यक्ति रहने वाला है आवश्यक होता है। यह अध्ययन भाग में चिंता करते हुए मेरी उत्पन्न करता है तथा उसमें ही योग शेष योजन में इनमें रहता है और मैं दूसरा देवतों में भक्तों में गति करता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरे ही भजन में करते हैं, परंतु मैं पूर्ण नहीं है। तब याग में भक्ति सुगंधी है। इस प्रकार तथा मैं जनते अवन में छुटता हूँ। देवताओं के पूजन वाले त्रिलोक में प्रयत होता है। पूजा वृत्ति में पीने वाले अज्ञान में पुजारी में योग लोग में जाता हूँ। मेरे ही पूजा करने वाले मुझ में प्राप्त होते हैं। भक्ति से पुष्प फल भी है जल को मुझके अर्पण करते हैं। उसके युद्ध में अंतकरण में व्यक्ति को भक्ति से दिखे प्रदान में बड़े प्रसन्न से ग्रह करता हूँ। केतु जो चुनती उठाते में यह अर्पण है, जैसे गन्ने कावधन हो सकता है अश्विन फलों के मुक्ति को चाहूँ। जो कि भक्ति होकर मुक्ति से मुझको ही आवश्यक पाओगे, वह समस्त भूतों के लिए समान है। इन्हें कोई मुझे अपदेय है
और न प्रिय है जो मुझको भक्ति से भजता है। मैं मुझे में ही और मैं उसमें ही। यदि कोई दुराचारी को द्वाचारी भी और अन्य भाव में मेरा भजन करे उसको भी साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसे उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चित्त में शांति को प्राप्त होता है। वह कोटि में वह निश्चय करके जानने के लिए भक्ति कभी नष्ट को प्राप्त नहीं होती है। पदार्थ में नष्ट में और दुख में संसार में जन पाकर तुमको मेरे भजन करके मुझको ही मन में लगता है भक्ति है। मेरे ही पूजा और मुझे नमस्कार मुझके ही रखते है मुझ में ही लाएगा। ओ बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे ओ बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे।